नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश भर की खबरें लेकर। तो आज दिन हो चुका है 20 मई का और टाइम हो चला है आज के मुख्य समाचार जानने का। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए। जी हाँ, प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी पर संकट आ सकता है, इसके बारे में आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा भारत एक महातूफान का सामना करने वाला है। तूफान को लेकर सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। देश के विभिन्न राज्यों में खतरनाक मौसम बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ट्रेन को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी अपडेट को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आप किस जिले या राज्य से हैं, हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपसे जुड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में कोरोना वायरस अपडेट की। तो बता दें, भारत में 1,04,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत के आंकड़े ने 3,200 को पार कर लिया है और ये गिनती हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। साथ ही एक नज़र डाल लेते हैं दुनिया भर के कोरोना वायरस अपडेट पर। तो बता दें, दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें 20 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा 3,25,000 को पार कर गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो बता दें, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दें। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ये एक बेहद बुरी खबर है। अब सैलरी पूरी मिलेगी या नहीं, सिर्फ कंपनी या उद्योग पर निर्भर करती है। ये फैसला एक तरफा होगा। इसी के साथ बता दें कि एक बड़ी खबर ट्रेन को लेकर भी आई है। तो बता दें, इंडियन रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1,414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसे लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 800 और श्रमिक विशेष ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दे दी है। धीरे धीरे करके लगभग सभी ट्रेनें ट्रैक पर लौट रही हैं। ये प्रवासी मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। अब इसी के साथ एक नज़र डाल लेते हैं देश के मानसून की ओर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है। दोपहर या बुधवार शाम में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। साथ ही बताया गया है कि मंगलवार शाम तक यह गति घटकर 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रह जाएगी, जिसमें कभी कभी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, अगर आप कोरोना के कारण परेशान हो चुके हैं तो आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अमेरिका में एक वैक्सीन के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने के बाद लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दवा कंपनी मॉडर्ना ने सोमवार को कहा कि 8 लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन की खुराक दी गई थी, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया है। अमेरिका की ये पहली वैक्सीन है जिसका टेस्ट लोगों पर किया गया था और इसका रिजल्ट सबसे अच्छे मिले हैं। अब इस वैक्सीन का सरकार की तरफ से प्रमाण होना बाकी है। प्रमाणित होते ही इसके प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं। इसका पहला ट्रायल सफल है और दूसरा और तीसरा ट्रायल भी काफी हद तक सफल होने का दावा है। अगर ऐसा होता है तो वैक्सीन साल के अंत तक या फिर 2021 के शुरुआत में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, मास्क वो हथियार है जो आपके पास हो तो संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है, लेकिन अब मास्क को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब आप मास्क लगाए हुए होते हैं तो ऐसे में आप छोड़े हुए सांस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऑक्सीजन के साथ ले रहे होते हैं। इस दौरान मास्क की वजह से ऑक्सीजन का प्रवाह कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद हाइपरकैनिया के कारण सिर दर्द, चक्कर, देखने में परेशानी, फोकस करने में दिक्कत, कान में आवाज आना, दौरा पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लंबे समय तक ना पहने। इसका इस्तेमाल बाहर निकलने पर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, संक्रमण को लेकर अब तक पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने वाले चीन का अब पर्दाफाश हो गया है। इसी कारण दुनिया की नजरों में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि चीन की ओर से तैयारी की जाने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन $2 बिलियन करीब 15,139 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें दोस्तों, बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बता दें कि बिहार मैट्रिक रिजल्ट 2020 की परीक्षा के नतीजे 20 मई को आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कॉपियों की जांच का काम पिछले सप्ताह खत्म हो गया था। अब बाकी टॉपर्स के वेरिफिकेशन और इंटरव्यू मंगलवार को होने के बाद
20 मई को परिणाम सामने आ सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दे, सोमवार को इस बारे में दिल्ली सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा निर्देश जारी होने के बाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने गैर जरूरी सामान की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कंपनियों का दावा है कि सामान की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर ही की जा रही है और वे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पर जोर दे रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, ट्विटर पर यूट्यूब और टिकटॉक के फैंस के बीच में पिछले कई दिनों से एक नई तरह की जंग छिड़ी हुई है। जंग इस बात को लेकर है कि यूट्यूब और टिकटॉक में बेहतर कौन है। बड़ी बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक की रेटिंग 4.7 से घटकर 2 पर पहुंच गई है। हाल ही में यूजर्स ने टिकटॉक को प्ले स्टोर पर सिर्फ 1 रेटिंग भी दी है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स टिकटॉक को भारत में बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक टिकटॉक ऐप को अब तक करीब 24 मिलियन यूजर्स रेटिंग दे चुके हैं। इनमें से काफी यूजर्स ने इस ऐप को सिर्फ 1 रेटिंग दी है, जिससे ऐप की रेटिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है और अब रेटिंग सिर्फ 2 रह गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दे, श्रीनगर के इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। दोनों की शिनाख्त की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, लॉकडाउन के समय आम लोगों को पैसे की जरूरत ज्यादा है। इस बात का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तनख्वाह में होने वाली कटौती को कम करने का फैसला किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैसले की वजह से आपकी सैलरी में इजाफा होगा। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पीएफ में अगले 3 महीने कम कटौती होगी और बचा हुआ पैसा सीधा आपकी सैलरी में जुड़ कर आएगा। तो दोस्तों, इसी खुशखबरी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, कैनरा बैंक ने ग्राहकों के लिए सोना गिरवी रखकर कर्ज के लिए एक अलग से विशेष कारोबार इकाई शुरू किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्राहकों के सामने आने वाले पैसे के संकट को देखते हुए बैंक ने यह कदम उठाया है। गोल्ड लोन के लिए इस साल 30 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राहकों को सालाना 7.85% पर कर्ज दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो आपको हैरानी में डाल सकती है। तो बता दें, बांग्लादेश से एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि कीड़े मारने की दवा से कोरोना के 60 मरीजों को ठीक किया गया है। दरअसल बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के कई देशों को इसी दवा और वैक्सीन का इंतजार है। अलग अलग देशों में इसके लिए शोध हो रहे हैं और सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में डॉक्टरों की एक टीम ने कोविड 19 के इलाज में कारगर साबित होने वाली दवा बनाने का दावा किया है। कीड़े मारने वाली एक दवा और एंटीबायोटिक को मिलाकर बनाई गई दवा से कोरोना के 60 मरीजों को ठीक करने का दावा किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दो ड्रग को मिलाकर ऐसी एंटीबॉडी तैयार की गई है जो कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो बता दें, चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी OnePlus ने पिछले महीने स्मार्टफोन्स OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro लॉन्च किए हैं। OnePlus 8 Pro के कैमरे में एक स्पेशल कलर फिल्टर सेंसर दिया गया है। यह सेंसर कई कंडीशंस में प्लास्टिक या कपड़े के आर पार भी देख सकता है। अब जाहिर है कि अगर किसी फोन के कैमरे से कपड़ों के आर पार देखना संभव हो रहा है तो ये प्राइवेसी को लेकर गंभीर है। अब दुनिया भर के यूजर्स को यह पसंद नहीं आ रहा है। ये काफी बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है राजनीतिक जगत से। तो बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 16 मई को ट्वीट कर कहा था कि हजारों श्रमिक, प्रवासी भाई बहन बिना खाए पिए भूखे प्यासे पैदल दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए लगातार चले जा रहे हैं। प्रियंका ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। पहले योगी सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। योगी सरकार की अनुमति के बाद कल से इस पर राजनीति गर्म हो रही है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार बसों को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही है। इस बात पर दोनों पक्षों में मामला गरमाया हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें, कोरोना महामारी से बेरोजगार हुए हजारों लोग एक साथ कई मुसीबतों से घिरे हैं। आर्थिक अभाव, खाने पीने की दिक्कत और घर जाने की मजबूरी, गाड़ी और बस न चलने की वजह से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल ही पलायन कर रहे हैं। इन सब के बीच कुछ निजी बस चालक इन गरीबों को भी नहीं बख्श रहे। मजदूरों को फ्री में घर पहुंचाने के नाम पर उनसे 2 गुना किराया वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, बीच रास्ते में उन्हें उतारकर कुछ बसें वापस लौट जाती हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के खतरे से बचाने के लिए लगाई गई एक याचिका पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स से उन सोशल ग्रुप्स को हटाने की मांग की गई है जिसमें कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। मतलब ये कि अब उन बच्चों के अकाउंट को सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर रोज आप देश और दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।